विदेशी बाजारों में आई मजबूती के असर से मंगलवार को घरेलू बाजारों में खाद्य तेल के घटते दामों में रुकावट देखने को मिली, यानी निचले स्तरों पर एक बार फिर से बाजार संभलते दिखाई दिए। मंगलवार को सोयाबीन तेल इंदौर 1200 से 1205 रुपए प्रति 10 किलो पर मजबूत बना रहा। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव में उठाव के साथ ही शॉर्ट कवरिंग के कारण सीबोर्ड सोया तेल के भाव भी मजबूत देखने को मिले। इसे देखते हुए अर्जेंटीना सोया तेल एफओबी के भाव में भी बढ़त देखने को मिली। उधर चीन के कोविड के बढ़ते मामलों के कारण डिमांड पर लगाम लग सकती है, क्योंकि चीन में दुकानें और होटल बंद हैं। इधर केएलसी का फंडामेंटल मजबूत है और बड़ी गिरावट आने का फिलहाल कोई खास कारण नहीं है। इंडोनेशिया 31 दिसंबर से पाम तेल निर्यात पर कर को भी बढ़ा सकता है, ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं। दूसरी ओर माना जा रहा है कि खाद्य तेल की कीमतों में फिलहाल निचले स्तरों पर एक बार फिर से खरीदारी लौटती हुई दिखाई दे सकती है और कीमतों को निचले स्तरों पर सपोर्ट मिलने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।